सो वो टाइप्स ऑफ अपीथिलियम में पहले हम लोग सिंपल डिस्कस करेंगे सिंपल स्क्वायमस एपिथीलियम में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि हम उसमें सेल्स को ड्रॉ किस तरह करते हैं देखो सिंपल स्क्वामस एपिथीलीम में जो स्क्वामिस टर्म है वो बेसिकली रेफर करती है फ्लैट को स्क्वामिस टर्म हम लोग फ्लैट चीज़ के लिए रेफर करते हैं जैसे हमारी टेम्पोरल बोन जो होती है उसका जो फ्लैट एरिया है हम उसको रेफर करते हैं स्क्वामिस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन सिमिलरली आपको से याद रखना है कि सेल्स का शेप कैसा होगा फ्लैट सेल्स फ्लैट होंगे एक चीज और जब आप हिस्टोलॉजिकली डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से ड्रॉ करवा दिए जाते हैं कि ये हमारी फ्लैट सेल लेयर है जिसे हम लोग स्क्वामस सेल्स बोलते हैं सिंपल स्क्वास सेल्स अपेथीलियम इज देयर इस तरह से हम लोग उसको ड्रॉ कर देते हैं बट टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट लाइक दिस उनका शेप ऐसा नहीं होता है ठीक है उनकी शेप किस तरह से होती है दे आर एक्चुअली पॉलीगोनल इन शेप पॉलीगोनल टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं जिनकी मल्टीपल साइड्स होती हैं पॉलीगन हम लोग बोलते हैं ना पॉलीगन सिमिलरली पॉलीगोनल वो एक्चुअली ऐसे नहीं दिखते हैं सिंपल स्क्वाय सेपिथिलियम आर एक्चुअली फ्लैट पॉलीगोनल फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स दैट हैव सेंट्रल न्यूक्लियस ठीक है दैट आर हैविंग योर सेंट्रल न्यूक्लियस दे आर द फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स दैट आर हैविंग योर सेंट्रल न्यूक्लियस आई विल शो यू वो किस तरह ड्रॉ करते हैं ऐसे हमें इस तरह से ड्रॉ करना है जब आप स्क्वामस सेल्स की स्ट्रेटिफाइड लेयर बनाओगे ना बेसिकली आपको स्क्वामस सेल की लेयर ये मैंने आपको बना के दिखाया जब आप हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाओगे तो नॉर्मली हमसे डायग्राम्स में ऐसे बनवाया जाता है कभी आपको लेयर कोई ऐसी नज़र आएगी तो दैट इज़ रेफर्ड टू योर स्क्वायमिस लेयर लेकिन अगर आप उसको सरफेस से देखोगे ना कि वो ऊपर से सरफेस से किस तरह से दिखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ वो इस शेप की दिखेगी आई विल शो यू एक्चुअली दे आर रेफर्ड टू एज योर फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स एंड दे हैव सेंट्रल न्यूक्लियस बीच में उनका एक न्यूक्लियस होता है आई विल शो यू एक्सैक्टलीम को अगर हम लोग ऊपर से देखें सरफेस से देखें तो वो किस तरह नजर आएगा आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस डायग्राम ये हमारा सिंपल स्क्वासिथिलियम का डायग्राम है एंड इफ यू जस्ट जूम इन टू सेल्स आप सेल्स की शेप देख सकते हो आई थिंक आई कैन शो इट टू यू ये देखो ये पॉलीगन शेप है पॉलीगन मतलब पॉली मतलब होता है मल्टीपल और जिनकी मल्टीपल साइड्स होती है ना हम इन्हें पॉलीगोनल बोल शेप्स बोलते हैं ठीक है ये हमारे फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स हैं एंड दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस सो वो फ्लैट सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वामस सेल्स क्या है और ये सिंगल लेयर है इसलिए हम इसको सिंपल बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम दे आर एक्चुअली अ सिंगल लेयर्ड एपिथिलियम और इसमें सारे के सारे सेल्स पेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होंगे मोर ओवर द शेप ऑफ योर सेल्स आर एक्चुअली पॉलीकोनल इन नेचर ठीक है कोई किसी में तीन साइड्स होंगी किसी में चार साइड होंगी किसी में छः साइड होंगे किसी में दो होंगी किसी में पाँच होंगी तो उस तरह से मल्टीपल साइड्स आर देयर तो ये हम लोग इसका मैं आपको सुपीरियर व्यू दिखा रही हूँ कि ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा एंड दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस सो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू ड्रॉ यूर सिंपल स्क्वायरमेपिथीलियम आई विल शो यू अनादर इमेज अब हम बात करेंगे क्योंकि यार हमें सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि सिंपल स्क्वायस अपिथीलियम की कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स क्या होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल स्क्वायस अपिथीलियम प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है क्योंकि एग्ज़ाम में जब आता है ना सिंपल स्क्वायमस अपिथीलियम के बारे में कुछ लिखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको पता हो कि सिंपल स्क्वायस अपिथीलीम प्रेजेंट कहाँ कहाँ है तो उसके लिए आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर न्यूमोनिक ऐसा कोई न्यूमोनिक नहीं है लेकिन ये तरीका मुझे याद करने में थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करता है जब मैं सिर्फ आगे की टर्म्स अलग अलग कर लेती हूँ ए स्टैंड्स फॉर योर एलवियोलाय ठीक है बी स्टैंड्स फॉर योर वोमेंस कैप्सूल ठीक है वोमेंस कैप्सूल बी अनादर बी स्टैंड्स फॉर योर ब्लड वेसल्स Another B stands for your blood vessels, P for your pleural cavity, and another P is over there for your peritoneal cavity. ठीक है अनदर पीस फॉर योर पेरिटोनियल कैविटी अब मैं आपको एक चीज इनको याद रखने के लिए कॉमन क्या बताते हो जहाँ पर भी हमने पहले बात करी थी कि बेसिकली सिंपल स्क्वायर सिंपल लेयर वहाँ होती है जहाँ पर हमें मटेरियल का एक्सचेंज करवाना होता है जैसे आप देखोगे एल है जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था ये जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम था आई शो यू द डायग्राम ऑफ एल ठीक है ये है आपका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ एल्वियोलाय ये एल्वियोलाय का डायग्राम है जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है एंड यू हैव टू अप्रिशिएट आई यू हैव टू दैट ऑल दी सेल्स आर स्कोर सेल्स इन नेचर देखो यार एक सिंगल लेयर के अक्रॉस अपना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल करने के लिए जैसे इस क्या है एलवियोलाय इज अ सेंटर जहां पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपका गैसियस ऑक्सचेंज होता है तो यार अगर मल्टी लेयर होगा तो कब ऑक्सीजन जाएगा कब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा बिना स्ट्रेस वाले एरिया में इसीलिए आपको याद रखना है ए फॉर एंड दिस में आपका गैश एक्सचेंज हो रहा है तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए हमें एक सिंगल लेयर चाहिए मल्टीपल लेयर का वहां कोई काम नहीं है राइट उसके बाद में हमने देखा वोमेंस कैप्सूल के बारे में वोमेंस कैप्सूल में आप ये देखो यू कैन अप्रिशिएट दीज फ्लैट सेल्स मैंने आपको कहा था ना कि जब आप स्क्वामेस सेल्स को ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है बेसिकली ये हमारे फ्लैट सेल्स हैं वोमेंस कैप्सूल के एंड दिस इज़ एक्चुअली फॉर द एक्सचेंज ऑफ दी मेटाबोलाइट्स बेसिकली जो रिजॉर्व करने होते हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग यूरन में जाने नहीं दे सकते उनके रिजॉर्बशन के लिए बोमेंस कैप्सूल के पास में ये सारे सेल्स हैं आप अगर ये वाले हिस्से में एक सिंगल सेल की जगह आप पाँच छः लेयर्स बना दोगे तो वो पाँच छः लेयर्स में कब वो चीज एब्सॉर्ब होगी कब कब वो, वो रिजॉर्पन के फिनमिना को एड करेगा वहां ये फंक्शनिंग फेल हो जाएगी इसीलिए बोमेंस कैप्सुल में भी हमारे पास में सिंपल स्कोम होता है फिर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की ब्लड वेसल्स के लिए आई विल शो दिस इज़ योर फॉर योर ब्लड वेसल्स कैन यू सी डीज आर योर सिम्पल स्कोएम एस अपीथीलियल सेल्स जिन्हें हम लोग एंडोथीलियल सेल्स बनाते हैं देर आर मल्टीपल प्रोटीन्स जो बेसिकली हमारी साइट ऑफ एक्शन पर जाना क्रॉसिंग ओवर होती है जिसे जब हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में कि कितने जब भी हमारी कोई वूंदरी होती है या कहीं वून बनता है तो उसे हील करने के लिए मल्टीपल सेल्स आते हैं और वो मकानिजम कैरी आउट होता है और वो जो एंडोथीलियल सेल्स के बीच में स्पेस है वो क्रिएट होता है एंड देन द न्यूट्रोफिल्स आर अलाउड टू गो तो यार सिंपल सी बात है अगर ये ब्लड वेसल्स थिक हो जाएंगी अगर ये ब्लड वेसल्स हमारी जो सिंगल लेयर्ड हैं ये मल्टी लेयर हो जाएंगी तो क्या है एब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन ये सारे फिनमिनाज क्या है ये स्लो डाउन हो जाएंगे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूंट्स ब्लड में जो चीज़ पर्टिकुलर सेल के पास जाके रिजॉर्व होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी तो मेन इनका फंक्शन क्या है कि सिंगल लेयर रखो मतलब एक सिक्योरिटी कार्ड रखो जो चेक करेगा और अंदर भेजो क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है ही नहीं अगर आप बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दोगे तो आपके फंक्शनिंग फेल हो जाएगी लिए हमें एक चीज याद रखनी है दैट इन केस ऑफ योर योर वोमन्स कैप्सूल योर ब्लड वेसल्स योर प्लूरल कैविटी योर पेरिटोनियल कैविटी इनमें होता है सिंपल स्क्वास एपिथीलियम एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट योर पेरिटोनियल कैविटी एंड योर प्लूरल कैविटी एज वेल एज योर पेरिकार्डियम क्या होता है यार ये एक स्क्वास सेल है ठीक है लेकिन ये स्क्वायमेस और ये स्क्वायेस सेल होता है जो बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारी प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी में लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ये एक्चुअली सिर्फ स्क्वे सेल नहीं होता टू बी ऑनेस्ट ये सेल cell... जब हमने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा तब हमें लगा कि ये स्क्वामस सेल की शेप ज़रूर रखता है ये उसकी तरह फ्लैट और पॉलीगोनल है और सेंट्रल न्यूक्लियस है लेकिन ये एक एपिथीलियम का यूनिक सेल है इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है और इस सेल को हम लोग मीजोथीलियल सेल बोलते हैं इस सेल को इस सेल की स्पेशलाइजेशन भी बहुत होते हैं बेसिकली क्या है अगर आप आगे जब ब्रीदिंग का मैकेज़म पढ़ोगे प्रॉपरली तो आपको पता लगेगा कि जो लंग्स होते हैं वो लंग्स आपको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। बेसिकली क्या होता है यार, जो आपके लंग्स होते हैं ना और बाहर होती है आपकी चेस्ट कैविटी, इनके बीच में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है? ठीके? एक होती है पेराइटल और एक होती है विसरल। आपने पढ़ा होगा दैट प्लूरल uh, मेम्ब्रेन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को सराउंड करके रखती है तो प्लूरल मेंब्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है पैरा विसरल पार्ट ऑफ प्लूरल मेंब्रेन और बाहर वाला पार्ट होता है पैराइटल पार्ट ऑफ प्लूरल मेमब्रेन और इन दोनों मेंब्रेन के बीच में एक आपका फ्लूइड फिल्ड होता है ठीक है ये कौन सा फ्लूड है ये है हमारा प्लूरल फ्लूड एक्चुअली इसका काम क्या होता है जो आपके ये लंग्स होते हैं ना ये इलास्टिक टिश्यू होते हैं मतलब इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अंदर की तरफ और श्रिंक हो और चेस्ट वॉल की प्रॉपर्टी होती है कि ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करे मतलब लंग्स इस तरफ मूव करें और ये इनकी इस टिश्यू की ते, ते, चेस्ट वॉल के टिश्यू की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ मूव करे लेकिन प्रॉपर ब्रीदिंग कराने के लिए हमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए होती है जिसकी वजह से जो हमें कौन प्रोवाइड करता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन ठीक है ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना ये लंग्स को पकड़ के रखती है और ये चेस्ट वॉल को भी पकड़ के रखती है ठीक है और ये जो प्लूरल फ्लूड है ना यहाँ पर इवन ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ये भी नेगेटिव होता है क्योंकि ये प्रेशर इन दोनों के इन दोनों की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट काम करता है तो बेसिकली क्या होता है यार कि ये जो प्लूरल मेंब्रेन है इसका ये जो प्लूरल फ्लूड है ये ना ब्रीदिंग में बहुत काम आता है मैं आपको ना ये प्रॉपर मैकेनिज़्म जब हम प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में या ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत एलोरेटेड वे में पढ़ाऊंगी अभी आई कैन नॉट कन्फ्यूज आउट क्योंकि सिंपल स्क्एमस अपीथीलियम का कॉन्सेप्ट कम लंग्स पर शिफ्ट हो जाएगा पता नहीं लगेगा सो so, मैं ऊपर से जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है दैट यहाँ पर हमारा जो ये लाइनिंग बनाता है ना मेम्ब्रेन की ये होते हैं हमारे स्क्वेमस से शेप के सेल्स जो होते हैं हमारे ये मीज़ोथीलियल सेल्स ये मीजोथीलील सेल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं यहाँ पर जो फ्लूड है ना ये सिक्रीट करते हैं ठीक है और ये सिक्रीशन क्यों होती है ये इसीलिए होती है ताकि जो लुब्रिकेशन है भैया ऑब्वियस सी बात है एक टिश्यू है एक मेम्ब्रेन दूसरे के अगेंस्ट अगर अगर वो रब करेगी तो ये जो रबिंग होगा ये रबिंग में रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस होगा यू हैव योर रेजिस्टेंस ओवर देयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और वहाँ पर हीट जनरेट होगी अगर इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में कोई फ्लूड ना हो तो ये जब एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं ना यार ब्रीदिंग की मूवमेंट में तो क्या होगा रेजिट फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस की वजह से टिश्यूज़ का डैमेज होगा तो बेसिकली यहाँ पर सारा फ्लूइड फिल्ड होता है ठीक है ये होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड मोर ओवर ये जो फ्लूड है ना ऐसा नहीं है कि ये यहाँ इकट्ठा हो गया तो कभी चेंज नहीं होगा टाइमली बेसिकली इसका काम क्या होता है कि चेस्ट वॉल में कहीं कोई फ्लूड है या किसी भी सराउंडिंग एरिया में कोई फ्लूड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि क्योंकि अगर क्या है अगर फ्लूड रह गया ठीक है बाहर के एरियाज़ में फ्लूड है जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ओवर देयर मोर ओवर वन मोर थिंग इज़ देयर दैट कई बार ये जो फ्लूड है ना ये हर बार रिप्लेस होता रहता है ये पुराना फ्लूइड यहाँ से हट जाता है और फिर यहाँ नया फ्लूड आ जाता है मीजोथीलील सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि मीज़ोथीलियल सेल्स जो होते हैं ना ये बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म को लंग्स में जल्दी ग्रो नहीं करने देते ये मीज़ोथीलियल सेल्स उस बैक्टीरिया के अराउंड जो है वैक्यूल uh, बनाकर अपना फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं तो मीज़ोथीलियल सेल्स एक तरीके से उसके डिफेंस में भी काम आ रहे हैं सो so, ये था हमारा सिंपल स्क्वायस अपीथीलियम के बारे में दैट सिंपल स्क्वायेमेस अपिथीलियम जो हमारा प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी में होता है वो क्या करता है फ्लूड को सिक्रिएट करता है ताकि हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रॉपर हो ये मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल मेम्ब्रेन के प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं उसमें फिल्ड होता है ताकि ये जो फ्लूड है ये लुब्रिकेशन का काम करे और दो मेम्ब्रेन्स जब रब करती हैं तो कोई भी जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्रिक्शन के रेफरेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से कोई टिश्यू डैमेज ना हो मीज़ोथीलियल सेल्स जो भी फ्लूड सिक्रीट करते हैं वो बाय द टाइम नए फ्लूड से रिप्लेस होता चला जाता है मोर ओवर जो भी एक्सेस फ्लूड अराउंड प्रेजेंट होता है उसे भी वो रिजॉर्व कर लेते हैं मोर ओवर एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो आपको याद रखनी है कि अगर आपका मीजोथीलियल सेल्स काम करने में फेल हो जाते हैं देयर कैन बी एक्यूमिलेशन ऑफ फ्लूड जिसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन भी बोलते हैं सो अस रिवाइज जो तीन चार पॉइंट्स हमने सिंपल स्क्वायस अपीथीलियम के बारे में पढ़े हैं हम उसको एक बार ही देख लेते हैं ओके okay, सो so अब हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम में बेसिकली दे आर हैविंग द फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस उनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है दे हैव अ फ्लैट पॉलीगोनल शेप मोर ओवर ये वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है बेसिकली सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है सिंगल लेयर होती है मोर ओवर ये अपिथीलियम जहाँ पर हमें एक्सचेंज करवाना होता है सब्सटांसिस का जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सब्स्टेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट एट एट योर एल वोमेंस कैप्स्यूल ब्लड वेसल्स प्लूरल कैविटी एंड पेरिटोनियल कैविटी एलव्यूलाय में यू नो दैट इट इज़ एक्चुअली फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज वोमेंस कैप्स्यूल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द डिफरेंट मेटापोलाइड्स एंड आयस ब्लड वेसल्स में फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स एज वेल एज फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सेल्स एंड प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी में हमने पढ़ा कि सिंपल स्क्वायमिस अपिथीलियम बेसिकली वहाँ पर क्या है प्लूरल कैविटी और पेरेटोनियल कैविटी को लाइन करने वाले जो सेल्स होते

cells moreover if you look on to this structure this is actually a histological diagram of your alveoli your alveoli looks like this they have the histological section and it appears like this moreover this is the blood vessels the सिंपल स्क्वामोसपिथीलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट एंड ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं तो डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द नेम दिस एंडोथ सेल रिटर्न एंड दिस इज सिंपल स्क्वामसपीथीलियम दोनों एक ही चीज़ है सिम्पल स्क्वामासपिथीलियम जो ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं उन्हें हम एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं मोर ओवर यू कैन सी योर वोमेंस कैप्स्यूल सेल्स दे आर द फ्लैट सेल्स ओवर देयर एंड यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ मीज़ोथीलियल सेल मीजोथीलियल सेल के बारे में हमने क्या बताया दैट द लाइन द प्लूरल कैविटी और पेराटोनियल कैविटी को लाइन करने के साथ साथ ये एक फ्लूड रिलीज़ करते हैं बेसिकली वो फ्लूड क्यों होता है कि मेम्ब्रेन जब रब कर रही है तो अगर कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है कोई भी हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से तो वहाँ पर कोई भी टिश्यू का डैमेज ना हो क्योंकि एक्सेसिव हीट जनरेट होगी तो टिश्यू डैमेज हो सकता है सेल्स काम करना बंद कर जाएंगे मोर ओवर ये जो फ्लूड जनरेट करता है ये लुब्रिकेशन का, का काम करता है द फ्लूड विल बी लुब्रिकेटिंग द सर्फेस एंड मोर ओवर मेजोथिलियल सेल्स किसी भी तरीके के बैक्टीरिया या फॉरन सब या वायरस के अराउंड आकर उनको कवर अप करके बेसिकली उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये एक तरीके से उनके डिफेंसिव सेल्स का काम भी करती हैं, एज वेल एज मीजोथीलियल सेल्स जो है वो फ्लूड जो रिलीज करते हैं वो फ्लूड टाइम टू टाइम चेंज भी होता चला जाता है मोर ओवर अगर कोई एक्सेसिव फ्लूड चेस्ट वॉल में या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है ये उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं मीजोथीरियल सेल्स की अगर फंक्शनिंग फेल हो जाती है तो बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है दैट इज एक्ूमोलेशन ऑफ फ्लूड फ्लूड एक्यूमलेट हो जाएगा और यार सिंपल सी बात है अगर आपका फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है फ्लूड रिजॉर्व नहीं हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है तो वो फ्लूड फिर चांस देता है क्योंकि मीजोथीलियल सेल्स की फंक्शनिंग वैसे ही बंद है तो वो फ्लूड एक तरीके से बैक्टीरिया या वायरसेस के लिए अच्छा हॉटस्पॉट है काम करने के लिए सो दिस इज एक्चुअली अबाउट योर सिंपल स्क्वायर में सपेथीलियम